गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज डेट 17 सितंबर और मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 64। सिक्स, सेवेंथ और एट्थ क्लास के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है। तो बच्चों, लॉकडाउन के समय में पिंकू के दादाजी ने देखा कि पिंकू खेलने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता है और पूरे दिन टेलीविजन पर कार्टून देखता है। पिंकू, क्या तुम्हें खेल खेलना अच्छा नहीं लगता, दादाजी पूछते हैं। तो पिंकू कहता है, दादाजी मैं बाहर खेलने जाना तो चाहता हूँ, लेकिन इस महामारी में कोई भी बाहर खेल नहीं सकता है। तब दादाजी पिंकू के पास बैठे और उसे बताया कि लंबे समय तक टीवी देखने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है, जबकि खेल खेलने के कई फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं ये आप लोगों को याद भी रखना है और समझना भी है, ठीक है। एक तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुशासन सीखते हैं। अगर हम हारते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और अगर हम हारते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन हम हार नहीं मानते हैं, हम सोचते हैं कि अगली बाजी में हम जीत जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर हम थोड़ा सा हार भी गए हैं तो हम फेलियर को सहना भी सीखते हैं। आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, हम एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं और टीम में काम करना भी हम सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, आइए पहचाने कौन कौन से खेल हैं जिन्हें हम घर पर खेल सकते हैं। तो देखिए, ये तो नहीं खेल सकते, इस पे लिखना है ना, ठीक है, या फिर नहीं, ठीक है, आप लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाँ बिल्कुल खेल सकते हैं, यहाँ पर भी हाँ कूदा जा सकता है, ये भी हाँ, ठीक है, ये नहीं। अब यहाँ पर आपको गंदी लगा लेना, ये यहाँ पे घर के अंदर खेले जाने वाले अपने प्रिय खेल के नाम लिखिए। तो देखिए, मुझे शतरंज बहुत अच्छा लगता है, आपको अपना प्रिय खेल लिखना है। मुझे कैरम बोर्ड भी ठीक लगता है, मुझे गिट्टे खेलना जो 5 पत्थर होते हैं वो भी खेलना अच्छा लगता है, और लुकम छुपाई, ठीक है। ऐसे ही अपने कोई भी गेम लिख दीजिए। अभी देखिए, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आप बच्चे हो और आप लोग ये वीडियो भी देख रहे हो, तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगी कि आप अपना दिन किस तरीके से स्पेंड करते हैं, किस तरीके से, क्योंकि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा छोटा सा भांजा है, वो 5th क्लास में है, तो मतलब वो सारा दिन सुबह मतलब टीवी देखना स्टार्ट करता है और उसके बाद महाशय टीवी ही देखते रहते हैं। अब मैं अगर उसको बोलती हूँ, पढ़ने में वो ठीक है, मतलब उसको बोलती हूँ कि पढ़ो तो याद करके जल्दी सुना देता है। अब कितनी देर तक मैं उसको कह सकती हूँ पढ़ने के लिए, है ना, तो बस कार्टून देखना ही बच जाता है। फिर तो कार्टून ही देखने होते हैं, रोबिता डोरेमोन वगैरह ये देखता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। मुझे लगता है कि ये जो इनडोर गेम्स हैं, ठीक है, इनडोर गेम्स अगर कहा जाए कि ठीक है लूडो खेल लो, कैरम खेल लो, लेकिन इन सबको खेलने के लिए प्लेयर तो चाहिए होते हैं ना। अब प्लेयर सबका अपना अपना काम होता है, बेशक ऑफिस में नहीं जा रहे हैं लेकिन ऑफिस का काम तो करना ही होता है। तो छोटे बच्चों के लिए अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लॉकडाउन में, समझ नहीं आता है उनको क्या कहें, क्योंकि 24 घंटे उनको पढ़ने के लिए भी नहीं कहा जा सकता है ना। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि आप लोग किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि मैं भी उसको कुछ कह सकूं कि किसी तरीके से टाइम स्पेंड करें। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ, जैसे हम कुछ कुछ, मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मैं हमेशा जितनी भी मेरी टूटी फूटी चीज़ें होती हैं मैं डाल के रखती हूँ, तो वो सारी चीज़ें फिर उसको देखने का बहुत मन करता है, क्योंकि वो भी क्रिएटिव है, तो मैं उसको उसमें लगा देती हूँ। फिर कुछ वीडियोस दिखा के वो रगैमी से कुछ कर लेते हैं, ठीक है, पेपर से जैसे कि कुछ कुछ आकृतियाँ बनाना, पेंटिंग करना। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए इनडोर गेम्स उन लोगों के लिए तो सफिशियंट है जिनके घर में 2 बच्चे एक एज के हैं, ठीक है, वो खेल सकते हैं। लेकिन अगर अकेला ही बच्चा है तो उसके लिए सोच के देखो कि लॉकडाउन कितना बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पेरेंट्स इतना नहीं खेल सकते हैं बच्चे के साथ, और मतलब अराउंड 16 आवर्स तो फ्री होता ही है बच्चा। 16 में से बेचारा छोटा 4th 5th का बच्चा कितना पढ़ लेगा, 2-3 घंटे पढ़ लेगा, 3 घंटे में काम हो जाएगा, बाकी टाइम तो उसको कुछ चाहिए होता है करने के लिए। तो उनके लिए मेरे को बहुत बुरा लगता है कि किस तरीके से, तो उस टाइम में मेरे लिए एक सजेशन है कि उनको पेंटिंग सिखाना चाहिए, ओरिगेमी सिखाना चाहिए, और जो भी कुछ टूटा फूटा सामान होता है उससे, वो कहते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ठीक है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट से चीज़ें बनती हैं वो बनानी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि गेम्स के लिए प्लेयर्स होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ये अगर ऐसी कुछ कुछ चीज़ें करोगे तो फिर आपकी जो आँखें हैं वो भी नहीं खराब होंगी, और आपको एक आर्ट भी आ जाएगी। फिर आप जो जैसे क्ले होता है, क्ले से आप बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बना सकते हैं। अभी शुरू में क्या होता है, छोटे बच्चे डिस्करेज बहुत जल्दी हो जाते हैं कि ये तो अच्छा नहीं बन रहा है, मैं कितनी देर से बना रहा हूँ, ये है वो है, लेकिन एटलीस्ट 3-4 दिन तक तो हमें सब्र रखना चाहिए कि 3-4 दिन के बाद ही चीज़ें ठीक बनना स्टार्ट होती हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें टीवी नहीं देखना चाहिए,
इतना ज्यादा नहीं देखना चाहिए, मैं नहीं कहूंगी कि मत देखो, एटलीस्ट 3 घंटे बेशक देख लो, लेकिन 3 घंटे से अगर ज्यादा आप कार्टून देख रहे हो तो वो फिर आप लोग आपकी हेल्थ के लिए बहुत 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 ज्यादा खराब है। ठीक है, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोज को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिख, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।